गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V13 प्रो फोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को डिसेबल कैसे करें। आप भी जब किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग आज करते हो वहां पे आपको एक साउंड मिलता है सुनने को, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिकॉर्डिंग आज करते हैं किसी कॉल, हमको भी सुनाई देगा, बट जो अगर हम किसी की जिसको जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आज करेंगे उसको भी बिल्कुल सुनाई देगा कि हमारी कोई कॉल रिकॉर्डिंग आज कर रहा है। तो ये जो गाइस कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट है, हम इसको अपने फोन में डिसेबल कैसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में गाइस करके बताऊंगा, सेम ऐसे आपको भी अपने फोन में बिल्कुल गाइस कर लेना है। साइड में देखिए फोन मिल जाएगा आपको, देखिए पहले अपने फोन में डायलर को ओपन गाइस कर लेना। डायलर को ओपन करेंगे राइट साइड में थ्री डॉट का एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में गाइस क्लिक कर देना है। और इस पर जब क्लिक करेंगे सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, आपको मिलेगा कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन, उसके नीचे मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग। तो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन में गाइस क्लिक कर लेना। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे प्ले ऑडियो टोन का ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे इसको इनेबल गाइस करते हैं तो किसी के भी कॉल अगर हम रिकॉर्डिंग गाइस करेंगे उसका जो अनाउंसमेंट है हमको भी सुनाई देगा और जो सामने हमारा कॉलिंग पर रहेगा उसको भी बिल्कुल गाइस यहाँ पे सुनाई देगा। बट अगर हमको कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को डिसेबल गाइस करना है, प्ले ऑडियो टोन का जो ऑप्शन है उसको हमको डिसेबल यहाँ पे गाइस कर देना है। इसको डिसेबल गाइस हम जब कर देंगे, अगर अब हम किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग गाइस करते हैं उसका जो अनाउंसमेंट है ना हमको सुनाई देगा और ना सामने जो गाइस कॉलिंग पर रहेगा उसको भी बिल्कुल गाइस सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे अगर आप भी सेटिंग गाइस करके अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को अगर आप भी डिसेबल गाइस करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस कर सकते हैं।